वर्ल्ड टेक्नोलॉजी समिट हेल्ड, दुनिया भर में पहली बार वर्ल्ड टेक्नोलॉजी समिट हुई है, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? ये इंडिया में हुई, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये भी आपको याद होगा कि 2015 में पेरिस में एक मीटिंग हुई थी, क्लाइमेट समिट हुई थी, और उस समिट में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के प्रेसिडेंट मित्रा, उन्होंने आपस में बात करके इट वाज डिसाइडेड कि दुनिया भर में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया जाएगा टू प्रमोट सोलर एनर्जी। और इस ग्रुप में बेसिकली कौन से कंट्रीज होंगे? ऑल दोज कंट्रीज, जैसे ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो ये सारे कंट्रीज जो इस एरिया में पड़ते हैं, ऑल दोज कंट्रीज शुड बिकम द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसलिए क्योंकि इस एरिया में धूप सबसे ज़्यादा पड़ती है और सूरज की जो गर्मी है उसका ज़्यादा फायदा उठाया जा सकता है। और इसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एकमात्र इंडिया में सिर्फ ओनली वन इंटरनेशनल बॉडी का जो हेड ऑफिस है वो किसका है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये गुरुग्राम में है, इट इज इन गुरुग्राम, जिसे हम गुड़गांव के नाम से जानते हैं नॉर्मली, गुरुग्राम इसका नया नाम रखा गया है। सो दिस समिट इज टू फोकस ऑन स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज एंड नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज टू बूस्ट एफर्ट टूवर्ड हार्नेसिंग सोलर एनर्जी। तो बेसिकली इस जो समिट हुई है, इसका बेसिक पर्पस भी यही था कि कैसे सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके। और ये वो न्यूज 2015 वाली, और इसमें अभी तक 121 कंट्री हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और जैसे मैंने बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले जो कंट्रीज हैं, दे आर मोस्टली मेंबर्स ऑफ दिस। WHO ने डिसाइड किया है 10 सितंबर वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाएगा। आजकल वैसे भी ये दिन बहुत चर्चा में है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले दिनों सुइसाइड किया था, कुछ लोग कहते हैं मर्डर हुआ है, नाउ वट एवर दैट इज, बट सुइसाइड वर्ड इज क्वाइट आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और अकॉर्डिंग टू WHO, इट रैंक्स अमंग द टॉप 20 रीजंस जिसकी वजह से मौतें होती हैं दुनिया भर में। सो दैट मीन्स ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है, तो इसलिए जो है हमें ये दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। WHO के बारे में अभी आपको पता होना चाहिए, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम गैब्रियसिस हैं, ये इथोपिया के बायोलॉजिस्ट हैं, इथोपिया यू नो इज ए कंट्री इन अफ्रीका में, तो वहाँ के ये बायोलॉजिस्ट हैं। और पीछे काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं, क्यों? क्योंकि अमेरिका ने WHO का बायकॉट किया, फॉर कि WHO ने चाइना में कोविड के बारे में दुनिया भर को ज़्यादा सतर्क नहीं किया, और इसकी वजह से USA वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। सो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, इसका कोविड के साथ क्या लिंक है, इसका हेड कौन है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ इज इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ऑल्दो इस प्राइज़ को अनाउंस हुए बहुत देर हो चुकी है, तकरीबन एक साल हो चुका है, बट ये प्राइज़ अवार्ड नहीं किया जा सका, बिकॉज द पर्सन टू हुम इट इज़ अवार्डेड, उनका नाम क्या है? डेविड एटनबोरो। ये एक रिनाउंड ऑथर भी हैं, ही इज़ ए ब्रॉडकास्टर, BBC के ब्रॉडकास्टर भी हैं, ये ऑथर भी हैं, और इन्होंने मूवीज़ भी बनाई हैं। बेसिकली देखें तो दुनिया भर में बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है। और यहाँ पे भी आपको एक चीज़ और ख्याल रखनी होगी, दैट देयर वाज वन मोर पर्सनालिटी जिनका नाम था रिचर्ड एटनबोरो, जिन्होंने गांधी पिक्चर बनाई थी,
और उसमें गांधी का रोल किया था. सो ही वॉज ऑल्सो ए फेमस एक्टर एंड ए प्रोड्यूसर ऑल्सो. बट दिस इज डेविड एटनबोरो. और डेविड एटनबोरो को कौन सा प्राइज़ मिला है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिला है, जिसमें जो अवार्ड अमाउंट है दैट इज 2.5 मिलियन. दैट मीन्स 25 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है. इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ कि कैटेगरी ए में लेके जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये बात पक्की है. नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट इम्प्रूव टू 34/1000. तो इसको भी कैटेगरी ए में लेके जाएंगे. यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा. नाउ दिस रिपोर्ट इज गिवन बाय यूनिसेफ. नाउ यूनिसेफ, और अगर हम देखें तो दिस रिपोर्ट इज गिवन बाय मल्टी ऑर्गेनाइजेशंस. यूनिसेफ भी है, WHO भी है, कुछ एक और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्होंने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई है. सो यूनिसेफ का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड. पहले इसका नाम थोड़ा डिफरेंट था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड था, बट लेटर ऑन दिस नेम वॉज चेंज टू यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड. तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए. और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया का जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, अब चाइल्ड मॉर्टेलिटी किसे कहते हैं? लेस देन फाइव ईयर्स ऑफ एज. और यहाँ पे इंडिया ने क्या तरक्की की है? 1990 में इंडिया का जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट था दैट वॉज 126, और अभी 2019 में कम होके इट हैज ड्रॉप टू 34 नाउ. 2019 में 34 हो गया है, 1990 में ये 126 था. सो दैट्स ए बिग जंप. तो यहाँ पे इसलिए जो है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है. बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि दुनिया भर में ये रेट अभी बहुत कम है, और हम दुनिया भर में अगर इंटरनेशनली बात करें तो हम उससे बहुत पीछे हैं. और यहाँ पे अभी आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे ऊपर मैंने बताया आपको दिस इज अंडर फाइव मॉर्टेलिटी रेट है, हाँ जी, ग्लोबल अंडर फाइव मॉर्टेलिटी रेट डिक्लाइन बाय 59% फ्रॉम 93 डेथ्स इन 1000 पर लाइबस इन 1992, 38 इन 2019. इन इंडिया इट हैज कम डाउन टू 34 इन 2019. तो दैट मीन्स इंडिया के परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रही है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड रेट. अब यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें और पता होनी चाहिए. एक ये तो था चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, एक होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है, दैट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी. Now, ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या चीज है? बेसिक हम देखें तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी इज डेथ ऑफ ए चाइल्ड लेस देन वन ईयर ऑफ एज. तो यहां पे भी इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है. 1990 में इंडिया का जो डेथ रेट था दैट वॉज 89/1000 एंड नाउ इट हैज कम डाउन टू 30 पर 1000. तो ये जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है यहाँ पे भी इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है. तो यहाँ पे साफ साफ लिख लेते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी दैट इज एक साल से नीचे जो बच्चे की डेथ हो जाए तो दैट इज नोन एज इन्फेंट मॉर्टेलिटी. और 2019 में दिस रेट इज नाउ ये 30 हो गया है, जबकि 1990 में ये रेट 89 था. तो यहाँ भी बहुत प्रोग्रेस हुई है. एक और रेट है, उसे कहते हैं न्यूनेटल मॉर्टेलिटी, ठीक है, दैट इज डेथ ऑफ ए चाइल्ड बिटवीन 28 डेज, 0 to 28 days. तो यहाँ पे भी अभी जो रेट है 2019 में इट इज़ 22,
और 1990 में दिस रेट वॉज 57। तो यहाँ भी प्रोग्रेस हुआ है। अब आपको इनकी डेफिनेशन, अब देखो आपने तीन डेफिनेशन सीख ली, इन्फेंट मोर्टेलिटी, न्यूनेटल मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। एक और भी होती है, ये आप ये भी आप याद कीजिएगा, उसे मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी। दिस इज डेथ ऑफ मदर, डेथ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और विद इन 42 डेज ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं दोबारा से कहूँगा कि ये कैटेगरी ए न्यूज़ है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। लिटरेसी रेट इम्प्रूव्स टू 77.7% इन इंडिया, तो यह तो पता ही होगा, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि केरल लीड्स। केरल में जो लिटरेसी रेट है दैट इज 96.2% हाईएस्ट है, तो दिस स्टेट इज एट द नंबर वन रैंक। इसके इट इज़ फॉलोड बाय दिल्ली 88.7% एंड उत्तराखंड 87.6%। और जो सबसे पीछे स्टेट है, नॉर्मली हम कहते हैं कि बिहार इज़ अ लैगर्ड, पर इस बार आंध्र प्रदेश इज़ द मोस्ट बैकवर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लास, के वो बॉटम पे कौन सी स्टेट है दैट इज़ आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन सी स्टेट आ जाती है दैट इज़ राजस्थान, इसके बाद राजस्थान और उसके बाद बिहार। सो व्हाट वी फाइंड इज यहाँ पे 66.4 है, यहाँ पे 69.7 है, और बिहार में भी इन दोनों से ज़्यादा है लिटरेसी रेट, 70.9% है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, रूरल एरिया में लिटरेसी 73.5%, अर्बन एरिया में 87.7%। अब देखते हैं कुछ एक और खबरें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहली खबर क्या है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अनाउंस किया है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज वो भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन करेंगी। और वो पांच कंपनीज कौन कौन सी हैं जो कि ज्वाइन कर रही हैं, ONGC, IOC, BPCL, HPCL एंड गेल। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं दीज आर महारत्न कंपनीज। ये कौन सी कंपनीज हैं, दीज आर महारत्न कंपनीज। और महारत्न कंपनीज कौन सी होती हैं, दोज कंपनीज चलिए कुछ और देखते हैं जो माइनर न्यूज हैं। भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अनाउंस किया है कि हमारी पांच पेट्रोलियम कंपनीज दे विल आल्सो ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और जैसा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या चीज़ है, वो हमने पहले डिस्कस किया है। और ये पांच कंपनीज हैं, ये पांचों की पांचों कंपनी महारत्ना कंपनीज हैं। और महारत्ना का मतलब क्या होता है, कौन सी कंपनीज महारत्ना हो सकती हैं, बेसिकली पब्लिक सेक्टर कंपनीज जिनकी टर्नओवर कितनी हो 25,000 करोड़ से ज़्यादा हो, और जिनकी नेटवर्थ जो है 15,000 हो, और प्रॉफिट कितना है 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो। सो दीज आर द क्राइटेरिया टू डिक्लेयर ए कंपनी एज ए महारत्न कंपनीज। तो पांच बड़ी कंपनीज हैं ONGC, IOC, BPCL, HPCL एंड गेल, वो भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन कर रही हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर विजिटेड मॉस्को, मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम क्या है, डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मुंबई इंटरनेशनल कोड एयरपोर्ट हैज पुट इन प्लेस QR कोड कॉन्टैक्टलेस चेक इन मैकेनिज्म फॉर पैसेंजर्स फॉर रिड्यूसिंग पैसेंजर कॉन्फ्लिक्ट विद द क्योस सर्विसेज। तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर QR कोड सिस्टम जो है लगा दिया गया है ताकि जो पैसेंजर्स को वहां पे कम दिक्कत आए।
दिल्ली बेस्ड पॉलिसी एडवोकेसी एनजीओ मोबाइल क्रैचेस रिलीज्ड रिपोर्ट रिलेटेड स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टू मेजर चिल्ड्रन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन द कंट्री. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 159 मिलियन चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज आर अंडर नरिश्ड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 160 तकरीबन 16 करोड़ लोगों बच्चों में से 21% जो बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता है. 36% अंडरवेट हैं. 38% डू नॉट रिसीव फुल इम्यूनाइजेशन. और यहाँ भी जो बेस्ट स्टेट है दैट इज केरला, और बिहार जो है वो लास्ट नंबर पे है. मैथ्यू हेडन फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, वो ही हैज बीन अपॉइंटेड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एज ट्रेड एनवॉयज फॉर एडवांसिंग बिजनेस टाइज विद इंडिया. तो मैथ्यू हेडन जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रीवियस क्रिकेट प्लेयर हैं, उन्हें सरकार ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इंडिया में ट्रेड एनवॉय के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया है. वंस अगेन नॉट एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़. वर्ल्ड बैंक लोन फॉर एचपी रोड्स. वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश सड़कों को बनाने के लिए 82 मिलियन डॉलर का लोन दिया है. कोई बहुत ज़्यादा बड़ी खबर नहीं है ये. आइए देखते हैं कुछ एमसीक्यूज. तो पहला एमसीक्यू देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस होस्ट द फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी समिट ऑन सेप्टेम्बर 8. वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ SISA. तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, गुरुग्राम इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISA. और इसी तरह हम देखते हैं कि बाकी जो हमारे क्वेश्चंस हैं वहां भी, और कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज सपोर्टेड बाय विच एजेंसी. कौन सी एजेंसी है जो कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को सपोर्ट करती है? सो दिस इज यूनेस्को, सॉरी WHO. वर्ल्ड WHO ने इसे स्पॉन्सर किया है और इसको सपोर्ट किया है. हाँ जी, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2019 वॉज कन्फर्ड अपॉन डेविड एटनबरो. हु इज ही? तो ही इज ए रेनाउंड ऑथर एंड ए नेचुरल हिस्टोरियन. जैसे पहले बताया था आपको कि इन्होंने कुछ एक मूवीज भी बनाई हैं, बट ही इज ए रेनाउंड ऑथर भी हैं और ये BBC में इनके प्रोग्राम भी आते हैं. अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट इन इंडिया हैज कम डाउन फ्रॉम 126 टू 34. इट हैज कम डाउन टू 34. एज पर द नेशनल सैंपल सर्वे विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया. तो कौन सा आंसर होगा आपका? आंसर इज आंध्र प्रदेश. वर्ल्ड बैंक अप्रूव 82 मिलियन लोन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट रोड्स. तो कौन सी स्टेट है? दैट स्टेट इज हिमाचल प्रदेश. तो इस तरह से हमने देखे कि आज के हमारे क्वेश्चन कौन से हैं. और न्यूज़ में जैसे मैंने बताया कि दो तीन न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक तो डेविड एटनबरो वाली हो गई, एक जो डेथ रेट थे, चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. वहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में डेफिनेटली आ जाता है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.